वेलकम डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग ग्राफ सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं ग्राफ का, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो वो भी देख लेंगे। ठीक, ये हमारे वीडियो नंबर सेकंड है। ठीक ना, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे गिवन क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक, रैखिक समीकरण दिया रहेंगे, लिनियर इक्वेशन है ये, एंड ये क्या बोलेंगे ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है या प्रश्न से। ठीक, आप लिख सकते हैं दिया है या दिया गया समीकरण, या फिर प्रश्न से लिखें तो और बेटर होंगे। प्रश्न से क्या है, वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस टू एंड वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर। ठीक, ये और ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड, ठीक सपोज किया, इसको हमने समीकरण वन मान लिया और इसको हमने समीकरण टू मान लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण वन से, यहाँ पे वन लिखेंगे और वन के लिए घर बना लीजिए जिसका जरूरत पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पर वाई। समीकरण वन यहाँ पे लिखिए, वाई इक्वल टू क्या, टू एक्स माइनस टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, x में जीरो पुट करेंगे। यहाँ पे लिखिए माना x इक्वल टू जीरो, हमने जीरो लेट किया है। ठीक, x इक्वल टू जीरो इसमें पुट करेंगे तो इम्प्लाइज y इक्वल टू टू है, और यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, जीरो। x की जगह जीरो रखेंगे, टू गुना जीरो, और ये फिर माइनस टू। ये टू गुना जीरो कितना हो गया, जीरो माइनस टू। जीरो माइनस टू कितना, माइनस टू। तो y इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस टू। कब, जबकि x इक्वल टू जीरो हम रखें इस समीकरण में, इसमें तो y इक्वल टू माइनस टू आ गया। तो x इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस टू। तो x इक्वल टू यहाँ पे हमने जीरो रखे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस टू। अब इसमें इसको हमने a नाम रख लिया और इसको हमने b। अब y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। ये हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है ये। माना यहाँ पे हमने क्या रख लिया, माना x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू हमने जीरो लिखे थे, तो यहाँ पे y इक्वल टू जीरो मान लिया। ठीक, और इस जीरो को, इस जीरो को इसमें रखेंगे तो y कहाँ है, y यहाँ है, यहाँ पे हमने जीरो पुट करेंगे। जीरो इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, तो क्या हो गया, देखिए जीरो इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। इस माइनस टू को इक्वल की साइड देंगे तो पॉजिटिव टू यानी टू, इधर टू एक्स, तो इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये टू यू टू कैंसिल, तो इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, टू बाई टू, मतलब क्या, मतलब वन कैंसिल होकर। तो एक्स इक्वल टू कितना, वन। वन कब आया, जबकि वाई इक्वल टू जीरो पुट किया, तो वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना, वन। तो वाई इक्वल टू हमने यहाँ क्या पुट किए थे, जीरो रखे थे, माने थे जीरो, आया कितना, वन आया एक्स का वैल्यू। ठीक, ये हमारा इक्वेशन वन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकेंड को, सेकेंड को देखते हैं, समीकरण टू से एक्स वाई लिख लिया। इक्वेशन टू क्या है हमारा, वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर, यहाँ पे लिखिए वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या, जीरो पुट किया, मान लिया, माना एक्स इक्वल टू जीरो, इस जीरो को यहाँ पे रखेंगे तो वाई इक्वल टू फोर एक्स, मतलब फोर गुना जीरो माइनस फोर। तो ये क्या हो गया, फोर गुना जीरो मतलब जीरो, जीरो माइनस फोर मतलब माइनस फोर। तो वाई इक्वल टू माइनस फोर, कब वाई इक्वल टू माइनस फोर कब आया, जबकि एक्स इक्वल टू जीरो रखें, तो एक्स इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू माइनस फोर आया, तो यहाँ पे कितना, माइनस फोर आया। एंड अब इसमें तो y इक्वल टू हमने जीरो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखें, अब y इक्वल टू जीरो रखेंगे, किस में रखेंगे, इसमें, इस समीकरण में टू में, तो यहाँ पे y इक्वल टू जीरो रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस माइनस फोर को इक्वल के साइड देंगे तो फोर इक्वल टू फोर एक्स, और यहाँ पे कितना, ये फोर फोर कैंसिल, मतलब वन। एक्स इक्वल टू कितना, वन। तो वन कब आया, जबकि y इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू जीरो रखें, x इक्वल टू वन आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिए दोनों इक्वेशन का हमने वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर, इसका ये, इसका ये। ठीक, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आपको ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेंगे, जो कि आप ग्राफ कॉपी जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक, अगर आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, आप मैथमेटिक्स कॉपी में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रूलिंग, या फिर जिसको आप हिंदी कहते हैं इसे वाले, इसमें भी आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पे आपके एग्जाम्स में ग्राफ कॉपी दिए जाएंगे, आपको ग्राफ में, आपको एग्जाम्स में ग्राफ पेज दिए जाएंगे, इसलिए आपको, आप ग्राफ में सीखिए तो अच्छे होंगे, बेटर होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ग्राफ यहाँ पे खींच लेते हैं, इससे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कितना है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो से वन मैक्सिमम कितना है, वन है, पॉजिटिव वन तक है। इसमें मैक्सिमम कितना है, पॉजिटिव वन, ये भी पॉजिटिव वन है, और वाई में कितना, माइनस टू माइनस फोर, इतना तक जाना होगा हमें। तो आइए यहाँ पे ये हमारे पॉजिटिव होते हैं तो एक्स, और ये एक्स डैश, ये नेगेटिव को डिनोट करते हैं, ये हमारे ऑरिजिन होते हैं जिसको आप मूल बिंदु कहते हैं, एंड ये वाई के लिए हैं, ये वाई के लिए, वाई डैश नेगेटिव होते हैं और ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक ले लिया, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेंगे। ये वन टू थ्री फोर फाइव, और ये माइनस वन माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, ये हमारा माइनस वन होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर तक ले लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, हमारे इस इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन ये वाले हैं, तो x इक्वल टू कितना है, जीरो, और y कितना, माइनस टू। तो x इक्वल टू जीरो और y माइनस टू, तो x जीरो y माइनस टू आएंगे, मतलब कहाँ पे, यहाँ आएंगे। ठीक,
देखिए हम यहाँ पे ना लुक है, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया ठीक है यहाँ पे। तो y इक्वल टू 2x माइनस 2 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू माइनस 2 आए हैं, तो x 0 y माइनस 2। तो x देखिए ये वाले x होते हैं, ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 और y माइनस 2, तो y माइनस 2 यहाँ पर है, ये माइनस 2 है, ये कितना 0 माइनस 2, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका नाम भी दे सकते हैं ए, फिर 1 0, तो x का 1 है तो x 1 दे दीजिए, y कितना, y कुछ नहीं, इट मीन्स 0 है यहाँ पर आया, इन दोनों को मिला दीजिए, इस इक्वेशन का नाम क्या है इसका, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस 2 है, तो यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू 2x माइनस 2, फिर क्या, फिर x 0 है y माइनस 4, मतलब y माइनस 4, तो माइनस 4 कहाँ है, y का ये है, तो y ये 0 y माइनस 4, इसको हमने c नाम रख दिया c, फिर x 1 तो y 0, मतलब x 1 में देखना है, x 1 ये है x 1, इसको और इसको मिला दीजिए, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम y इक्वल टू 4x माइनस 4 है इसका, तो यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू 4x माइनस 4 ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों रेखाएं जो हैं, ये समीकरण और ये समीकरण का जो रेखा है, एक दूसरे कटान बिंदु जो है, वही रिजल्ट होते हैं, वही आंसर होते हैं, दोनों आपस में कब मिलन हो रहे हैं, दोनों कटान यहाँ पर हो रहे हैं, इस बिंदु पे दोनों आपस में एक दूसरे रेखा कट कर रहे हैं ठीक, काट रहे हैं, यहाँ पे मिलन हो रहे हैं, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा 1 0 है, x 1 है और y 0 है, ये हमारा x का काम करते हैं, ये y का काम करते हैं, यहाँ पे आता है आंसर लिखेंगे, आता है x इक्वल टू कितना 1 एंड y इक्वल टू कितना 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ठीक। आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट।